हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अभी शाम का टाइम होने वाला है। हाँ जी। और दोस्तों, आज का मौसम काफी अच्छा है। हाँ। मतलब सुबह में ठंडी थी और अभी थोड़ा धूप निकला है ना। हाँ। सुबह में बहुत ज्यादा तो ठंडी थी आज। हाँ। तो दोस्तों, आज हम लोग ना पूरा लौकी का जितना भी है, देखिए पूरा लौकी का जितना झाड़ है ना, पूरा पत्ता है जो सब साफ करने वाले हैं। और जो नीचे पूरा खराब हो गया दोस्तों, पूरा ये जो पत्ता है ना, सब टूट टूट करके नीचे भी गिर गया है। और ये जो ऊपर लगा है पूरा, सब तोड़ तोड़ करके हम साफ करेंगे, क्योंकि ये भी मतलब सही नहीं दिखता और नीचे एकदम खराब हो गया है। हाँ जी। बहुत दिन से ऐसा ही पड़ा दोस्तों, तो हम पूरा साफ कर देते हैं आज ना। हाँ, चलो इसको लेटा दो पहले। इसको ले लेटा दो, वो मत पकड़ ले। चलो लेटा दो। हाँ, घुस जाओ अपने घर में, घुसो अपने घर में। हाँ, अपने घर में रहो, बाहर मत जाना, अपने घर में रहो। हाँ बस, ये टोपा पहन लो, ठंडी नहीं लगेगी बेटा को। ये लो, देखो जी, बहुत नहीं लौकी को सूख गई इतना ज्यादा है। इसमें लौकी पता नहीं। हाँ, लौकी ही है, सब सूख रही है ना, बहुत ज्यादा सूख रही है। चलो पहले बताऊं क्या? पहले वो तोड़ ले, उसको वो कर देते हैं। आलू को पूरा क्यारी है ना, उसमें माटी चढ़ा देते हैं। हाँ, आ जाओ। आज दोस्तों हम लोग पूरा काम करने वाले हैं अपने घर का, जो भी जितना है तो सब कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हमको टाइम है। तो पहले आलू का क्यारी पूरा साफ कर देते हैं ना। हाँ। वही सही रहेगा। हाँ। फिर बाद में ये कर लेंगे, क्योंकि ये घर के अंदर का है, वो बाहर का है। अभी मतलब धूप भी है, बिटिया भी लेटी रहेगी, खेल रही है, नहीं तो बाहर का कर नहीं पाएंगे ना। हाँ। तो खुरपी ले लो, और हाँ खुरपी ले लो, खुरपी से बन देंगे। खुरपी ले लो, ढूंढ लो कहाँ पर रखी है। कहाँ, बाहर देखो, बाहर तो नहीं पर होगी कहीं, ढूंढो। कहाँ पर ये रखी है, कहाँ कहाँ हिरा जाती है। दोस्तों ये खुरपी, हंसिया, हमारे घर का जितना सामान होता है ना, सब हम ही लोग रख देते हैं। कहीं पर इधर रख देंगे, अब कहीं पर खर पैर में रख देंगे, कहाँ मालूम उधर पीछे रख दें। अब ऐसे रख देंगे तो भूल ही जाएंगे। देख, अगर इस तरह होती ना तो दिखेगा ही नहीं हम लोगों को। इस तरह से हमने देखा, अंदाज में घर के भीतर ढूंढेंगे और खरपहल में ढूंढेंगे, इस तरह में कहाँ मिलती हैं। हाँ। हम लोग रख देते हैं, फिर बाद में हम ढूंढते हैं, फिर बाद में मिल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, उस दिन फरुआ भी खो गया था तो हाँ। कोई ले गया था तो घर पे ही रख गए थे ना। और बिटिया हमारी दोस्तों सो गई है, ये देख सकते हो। और अब अच्छा हो गया है, क्योंकि अब हम लोग काम कर लेंगे घर का, है ना। तो चलो फिर आ जाऊँ, फटाफट से हम कर लेते हैं दोस्तों, अपनी बाड़ी का पूरा काम कर लेते हैं। और देख सकते हैं हमारा पूरा बारी, आलू और चुकंदर, पलकी, फूल, उधर दोस्तों लहसुन लगाया है, और यहाँ पर देखिए धनिया कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और इधर मेथी हमारी नहीं तैयार हो रही है। मेथी को पता नहीं क्या हो गया है, तीन बार, पहली बार तो हम लोग तीन बार बोए और तीन बार में चौथी बार जामी है ना, तीन बार नहीं जामी। हम घर की ही बो रहे थे तो वो नहीं जाम रहे थे, ख़राब था उसका बीज, पुराना बीज था। तो फिर हम बाज़ार से लेकर के आए दोस्तों, जैसे आप जानते हो, फिर वो हैं तो अब जाम ही है, लेकिन अब ये जाम तो गई है, लेकिन इतनी छोटी छोटी, बड़ी नहीं है। हाँ, बिट्टी पर ही इसका भी चारा उखाड़ना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं है ना। और धनिया में भी उखाड़ना पड़ेगा, चारा उखाड़ने का बाकी है तो उखाड़ देंगे किसी दिन। पहले आलू को बना देते हैं ना। चलो आ जाओ फिर दोस्तों, पहले सबसे पहले हम आलू को बनाते हैं, क्योंकि इनमें दरार पड़ गई हैं, और ये जो दरार पड़ जाती है ना, जैसे इधर दरार पड़ी है, इधर है ना, देखो ये दरार पड़ गई है, तो इनको ऐसे ऐसे खरबोट करके बीच से माटी निकाल के थोड़ा थोड़ा इस तरह करके माटी तुम चढ़ाते हो, फिर बाद में ऐसे ऐसा करके ऐसे ऐसा हम कर देंगे। इस तरह माटी चढ़ा देंगे दोनों तरफ से, तो हो जाएगा ना। ऐसे तो करो, ये इधर छुपो दो, हम बराबर करते हैं। हाँ। तो हमारे हाथ बचा के हम बचा रहे हैं। बाद में उस साइड से कर देंगे।
अब सही हो गया ना, अब एकदम सही हो गया है, अब तैयार हो जाएगा ना, अब नहीं कुछ करना पड़ेगा, अब नहीं कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, बस इसमें है हाँ, एक बार पानी एक बार लगाना पड़ेगा इनमें ना, एक बार पानी देना पड़ेगा और आलू तैयार हो जाएंगी। और माटी से चढ़ा दिया है ना एकदम से, तो सुनो तो ये लकड़ी को अंदर रख लेते हैं। हाँ, अब तुम बोरिया ले आता, हम इनको समेट के रख देते हैं। फूल नहीं बैठे क्या अभी? फूल अभी कहाँ बैठेंगे इतना जल्दी, अभी तो अभी तो इतना छोटा छोटा पत्ता है अभी फूल दोस्तों, इतना छोटा छोटा पत्ता को जब इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा तब जाके उसके अंदर फूल आएगा, अभी तो फुला ही नहीं रहा है तो फूल कहाँ से आएगा। तो बोरिया लिया बड़ी वाली है, हम ये सारी लकड़ी बीन के रख देते हैं, एक इकट्ठा कर देते हैं, बोलिए लिया और इनको अंदर रख देते हैं। है ये रखिए, ये देखो बाहर ही रखिए, ये रखिए इधर रखिए, हाँ ये उधर बिछा दो, इधर इधर बिछा दो, हाँ यही पर लो। ऐसे रखते हैं ये सब रख ले, ये सब रख देंगे दोस्तों। तो क्या है ना कि जैसे कि अगर सुबह में सीधा जाती है लकड़ी, कोहरा ज़्यादा पड़ता है ना, वो रिम जिम जैसे बारिश जैसे सुबह सुबह टाइम होता है, तो ये सब सीधा आ जाएंगे। पहले ये रख देते हैं और फिर बाद में उसको बिन लेना। चलो साइज पकड़ लो, आ जाओ चलो, देखो देखो देखो, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, और उधर फंस रहा वो बिटिया जा गया, हम उधर से जाएंगे, तुम उधर चलो, हमारा हाथ ऐसा है बस, इसमें गिरा दो, इधर रखिए ऐसे रख दो लो, इससे सो गई दोस्त बिटिया, तो चलो फिर फटाफट सुनो तो उड़ा दो, तो चलो फिर हम ये साफ कर लेते, आ जाओ। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम इनको तोड़ लेते हैं, ये पत्ता जितने हैं सब तोड़ के फेंक देंगे, और बाद में जो अंदर पूरा कचरा हो गया है ना, देखिए कितना सारा कचरा है, उसको भी साफ कर लेंगे। तो इनको पहले तोड़वा लो जल्दी जल्दी, है बहुत सारा हो गया ना, इसमें तो आधा उसका है चचीड़े का है, आधा चचीड़े का है दोस्तों, और आधी लौकी है, लौकी कम है ना, चचीड़ा ज़्यादा है इधर का लौकी को, उधर चचीड़ा का ज़्यादा, ये टूट टूट कर कर सर सर कर गिरता रहता है ना, तो कचरा ही नीचे बना रहता है, जब ये टूट ही जाएगा तो कचरा नहीं होगा ना, अंदर घुस के तोड़ते हैं। यहाँ पर खड़े होते नहीं बन रहा है ऐसे करके, बाहर फेंकना चाहिए नहीं फेंकना, यहाँ यहाँ से नीचे से उठा के बाहर फेंकेंगे ना, यहीं पर फेंक दो, बाद में नीचे नीचे से रोकल, बचा के देखना तोड़ना है, हम इधर का देख जितना होता है सब तोड़ देते हैं।
फेंकना। और अब अच्छा हो गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा साफ हो गया दोस्तों। कचरा रहता है ना दोस्तों तो डर बना रहता है, कीड़ा मकोड़ा कोई भी आ सकता है, मतलब सांप बिच्छू आ जा सकते हैं ना, तो इसके लिए साफ कर दिए हैं। और यहीं पर हमारी बेटी लेटी रहती है बाहर में, और हम भी यहीं पर खाना पीना सब कुछ हमारा यहीं पर होता है, तो बाहर सफाई रहना ज़रूरी है ना, तो इसके लिए हम सोचे आज पूरा साफ ही कर देते हैं, क्योंकि आज हम लोग कहीं पर नहीं गए दोस्तों, तो पूरा घर का ही काम हो जाएगा। हाँ बहुत कचरा हो गया था ना, अभी झाड़ू लगाएंगे ना तो और साफ है। हाँ ठीक है, सूख जाएगा तो बाद में जला देंगे सब ना, माटी वाला कचरा नहीं। तो कौड़ा जला लेंगे, इसी में हम थोड़ा बहुत आलू गाल लेंगे तो हमारे शाम के खाने के लिए हो जाएंगी है ना, क्योंकि दोस्तों सब्जी हमारे पास नहीं है तो वही आलू गाल लेंगे। और आलू का मतलब भरता अच्छा ही लगता है खाने में, हाँ। है ना, अच्छा लगता है खाने में। और जया जी इधर बेटी को खाना खिला रही है, वो अभी परेशान कर रही, खा नहीं रही, नहीं खा रही क्या, रात हो जाएगी तो फिर भूखी होगी। अभी खा ले बेटा, रात होने वाली है, खा ले बेटा, शाम हो जाएंगे तो बाद में खाना नहीं मिलेगा, अभी खा लो। खा रही है जी। क्या क्या जूस? आलू नहीं लाके, आलू लेके आते हैं, ले आते हैं आलू, ले आते हैं दोस्तों, इसमें गाड़ देंगे तो आलू पक जाएंगे तो हमारे खाने के लिए हो जाएंगे, हमको शाम को सब्जी का झंझट नहीं रहेगा। कितना लेके आए जी, दो ठोले आए क्या, दो तीन, तीन चार ठोले आते हैं, चार दो दो हो जाएंगी, चार आलू ले लिए हैं दोस्तों, और दो जया जी खा लेंगे तो हम खा लेंगे इनका भरता बना करके, गाड़ दें क्या, अब इसके ऊपर से जलाएंगे तो वो पाक जाएंगे ना। अब ये शाम तक चलेगा दोस्तों हमारा कौड़ा, हाँ। इसी तरह तापते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा लगते रहेंगे, आलू भी पक जाएंगे और हमारा शाम का खाना भी बन जाएगा, हाँ जी। है ना, सब्जी अब्जी की झंझट खत्म हो जाएगा बेटा, अब खा रही है बिटिया हमारी, खा रही, खा लो कोटो कोटो बिटिया की पैजामे पहना देना, पैजामे नहीं पहना, खिला दो बाद में पहना देना, ठंड लगने लगी ना थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का दोस्तों ठंडी लगने लगी है, तो बिटिया का पैजामे जी में सब एकदम पहना देंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर हम यहीं पर बैठेंगे, आलू पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा मतलब ये वाली फूस पास की आग है तो तुरंत मतलब वो हो जाती है, कंडा की आग होती थोड़ी देर चलती है ना। तो दोस्तों अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है और शाम थोड़ी देर में हो जाएंगी, और अभी आलू पकने में दोस्तों बहुत देर लगेगा क्योंकि नई आलू है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, हाँ। और फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना, फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।